बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको चनों वाले चावल की रेसिपी बताती हूँ। चलिए आपको इंग्रेडिएंट बताती हूँ। सबसे पहले हमने ये 3 ग्लास चावल लिए, आधा कप ऑयल, 1 बड़ी टमाटर कटी हुई, सुर्ख मिर्च, नमक, पिसा हुआ धनिया, 1 कटी हुई प्याज, अचार का मसाला, हरी कटी हुई मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, इमली, काली मिर्च पीसी हुई, गरम मसाला और ये सारे मसाले, दालचीनी, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, ये सारे मिक्स मसाले और 1 पाव चने। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल डाला, कटी हुई प्याज, इसको तकरीबन गोल्डन ब्राउन करते हैं। देखिए गोल्डन होना शुरू हो गया, इसे गोल्डन हो गया। अब हम डालते हैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ देर के लिए इसको भुनेंगे। इसके बाद हम डालेंगे टमाटर, फिर चले शुरू करते हैं मसाले। पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, तीसरी में खड़े मसाले, इमली, हरी मिर्चें, चलो हम इनको मिक्स करते हैं और थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। देखते हैं हमारा मसाला तैयार हुआ है कि नहीं। देखिए हमारा मसाला तैयार हो चुका है, थोड़ी देर इसको भूनते हैं। इसका जितना पानी है पहले हमें खुश करना है। अब इसमें हमने चने डालने हैं, इसके बाद अचार, इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है। इसका हमने जितना थोड़ा बहुत पानी है इसको मुकम्मल हमने खुश करना है। चलिए देखते हैं हमारा पानी खुश्क हुआ है कि नहीं। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है। अब हमारे चने मुकम्मल तौर पर भून चुके हैं। अब इसमें डालते हैं पानी, जितने हमने चावल लिए थे उतना ही हमने पानी लेना है। साथ ही हमने चावल डाल देने हैं।
अब इसको 10 मिनट के लिए हमने दम लगा दिए हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।